नियमितीकरण अनुकंपा नियुक्ति व मुआवजे संबंधित दो सूत्रीय मांग को लेकर छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ ने बेमित्रा कलेक्ट्रेट का घेराव कर मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। विद्युत संविदा कर्मियों ने अपनी मांग को लेकर घड़ी चौक से कलेक्ट्रेट तक पैदल रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया। सर, हम लोग पिछले जो है 10 मार्च से रायपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन आंदोलन है हम लोग का। दो सूत्री मांग है, पहला जो है हम लोग का नियमितीकरण का आदेश, और दूसरा है कि जो 25-26 साथी हमारे विद्युत में काम करते हुए जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवार वालों को अनुकंपा नियुक्ति। ये दो मांगों को लेकर के हम लोग पिछले जो है 10 मार्च से आंदोलन कर रहे थे। अभी 22-23 तारीख को पुलिस के द्वारा रायपुर में हमारे साथियों के ऊपर निर्ममता से लाठीचार्ज किया गया और हमारे लगभग 75 साथियों को अरेस्ट कर लिया गया था, जो कि कल रात को 8 बजे के आसपास रिहा हुए हैं। हम लोग यहाँ पे आज के दिनांक में 29 तारीख को 32 जिले जो हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर पूरे के पूरे कलेक्टर का घेराव किया गया इन चीज़ों को लेकर के कि हमारे ऊपर जो निर्ममता दिखाई गई है, जो लाठीचार्ज किया गया हमारे साथियों के ऊपर, उन चीज़ों को लेकर के। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग यहाँ 2016 बैच और 18 बैच वाले हम लोग यहाँ नियमितीकरण के सभी जो पात्र रखता है, जो अर्हता है, वो सभी चीज़ों का हम लोग पालन करते हैं। पिछले 6-7 साल से हम काम करते आ रहे हैं और हमारे पास अनुभव प्रमाण पत्र है। हमारे विभाग में 3000 पद खाली है, जिसपे हम 2500 लोगों को पहले नियमित किया जाए, उसके बाद बचे हुए पदों पर नियुक्ति ली जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। हम लोग को जो है भर्ती में जो है बोनस अंग दे दिया जा रहा है। अगर हम लोग के पास काम करने का अर्हता नहीं होता तो 4 साल से काम नहीं कर रहे होते, आप हमको जो है अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिए होते। इसी चीज़ों की मांगों को लेकर के आज कलेक्टर घेराव किया गया है और इसी चीज़ों की मांग है कि सबसे पहले हम लोग को नियमितीकरण किया जाए और जो हमारे 26 साथी दिवंगत हुए हैं उनके परिवार वालों को अनुकंपा। के जो संविदा कर्मचारी हैं विद्युत विभाग के, उन्होंने अपनी मांग रखी थी कि उनका नियमितीकरण किया जाए। काफ़ी दिनों से वो संविदा में काम कर रहे हैं और उनको जो वैकेंसी निकली हुई उस वैकेंसी में प्राथमिकता मिले और उनको नियमितीकरण किया जाए। उनकी बहुत सारी मांगे हैं। जो लोग उनके संविदा कर्मी जो साथी हैं, वो दुर्घटना भी उनके साथ हुई है, उस दुर्घटना में उनकी मृत्यु भी हो गई, उनको भी मुआवजा नहीं मिल पाया है और ना ही उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिल पाई। इन सबको मांगों को लेकर आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए हम लोग उनके समर्थन में यहाँ पर पहुँचे हुए थे। हमारा समर्थन भारतीय जनता पार्टी का समर्थन उन संविदा कर्मचारियों के साथ है। ये यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के जो मेंबर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और अपनी कुछ मांगे हैं, जिसमें दुर्घटना में मुआवजा के संबंध में बात है और इनके नियमितीकरण के संदर्भ में बात है, तो कलेक्टर साहब को और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। तो ये ज्ञापन हम विधिवत तरीके से संबंधित जहाँ पे इनका कार्रवाई होना है उनको सौंपेंगे और उम्मीद करेंगे कि जैसा भी है नियमानुसार जो इनको जिनकी पात्रता ये रखते हैं वैसा उनके तक उनके पक्ष में कार्रवाई की जाएगी।